हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं पीके अरुण टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना खुद का कस्टम यूआरएल कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, तो आप अपना चैनल का लिंक किसी को अगर भेजते हैं तो उसमें एक अटपटांग से www लिख के अटपटांग से एक यूआरएल आ जाता है। तो आप अपना कस्टम यूआरएल कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपका चैनल एक महीना पुराना होना चाहिए, कम से कम 30 डेज होना चाहिए और आपका 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए, तभी आपका यूआरएल बनेगा। तो चलिए जानते हैं कि यूआरएल किस तरह से सेट करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं जब भी इस तरह का कोई ट्रिक एंड टिप्स लाऊंगा तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपना मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ अपना मोबाइल स्क्रीन में आ गए हैं। तो हम यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम यूट्यूब को ऑन कर लेंगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ 3 डॉट जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके, तो इस पर हम डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेते हैं और यहाँ इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करके जो अपना चैनल का लोगो है राइट साइड में, उसे एक बार क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोगो है, इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे योर चैनल में एक बार आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर चैनल, फिर यहाँ से आपको कस्टम में आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेयर है। भाई, यूट्यूब जो है वो हमेशा अपने सिस्टम को चेंज करते रहता है, तो हमेशा अलग अलग सिस्टम को अपडेट करते रहता है। तो यहाँ पे आप लेयर पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो ऑडियो का आइकन है उसके ऊपर जो कस्टमाइजेशन है उस पर एक बार क्लिक कर लेना है। इससे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छा से दिखा सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जूम कर लिया, इससे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते ही हम ऊपर की ओर चला जाएंगे। इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में आ जाना है। तो यहाँ पर ऊपर में आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। तो जो लास्ट में हमें दिख रहा है बेसिक इन्फो, इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। इस वाला में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल यूआरएल है और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सेट ए कस्टम यूआरएल, तो इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही एक यूआरएल आपका चैनल का आ जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो उसको आप रख सकते हैं, अगर नहीं आए तब पर भी आप अपना खुद का बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ क्लिक किया तो हमारा ऑटोमेटिक ही एक हमारा चैनल का यूआरएल बन के आ गया है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे अपना चेंज कर सकते हैं, अपना हिसाब से रख सकते हैं। तो परेशानी क्या ज़रूरत है माथा पीछे करना, आप हमें ऑटोमेटिक ही एक मिल गया तो हम इसी को रख लेते हैं। अब क्या करना होगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ऊपर की ओर चला जाएँगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा चैनल का यूआरएल जो है वो आ गया है। तो हम यहाँ ऊपर की ओर जाएँगे, ऊपर में आपको दिखाता हूँ, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर में चला जाएंगे, ऊपर में ही इधर राइट साइड, इधर राइट साइड में आ जाएंगे। इधर थोड़ा घिसका लेते हैं इसे, उधर नहीं यार इधर, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पब्लिश का ये है, पब्लिश का ऑप्शन है। तो इस पब्लिश वाला ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे और इसे हम यहाँ से पब्लिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसे पब्लिश कर लिए हैं, ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया, पब्लिश हो गया। आप यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे, जो अब हमारा कस्टम यूआरएल है इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और थोड़ा इसे हम गूगल यूट्यूब में सर्च करके देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा चैनल आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे गूगल में आ गए और यहाँ पे youtube.com को ऑन कर लेंगे और यहाँ से हम इसे टैप कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने अपना जो वहाँ कॉपी किया था यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब इसे हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो चलिए इसे हम सर्च करके देख लेते हैं कि हमारा ये आ रहा है कि नहीं। चलिए इसे सर्च, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ लोड हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारा चैनल यहाँ आ गया है, खुल गया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से अपना कस्टम यूआरएल को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।